हेलो दोस्तों, अगर आपको भी लेक्सिस आइडियो एडिटर नहीं चलाना आता है एंड अगर आपके आइडियो में भी आवाज़ नहीं आता है, मतलब आपके वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में आवाज़ बहुत ही कम आता है, नहीं के बराबर आता है, तो आज उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बना करके बताएंगे एंड रिकॉर्डिंग करके एंड उसे एडिट करके बताऊँगा, वो भी बिना माइक के। ये वाला जो फ़ोन दिखाई दे रहा है, इसी फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग करके एंड आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, मैं इसी स्क्रीन में बताता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक आवाज़ को रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए एंड यहाँ पे साउंड रिकॉर्डर वाले एप्लीकेशन में चलता हूँ एंड यहाँ पे अलाउ करके एंड यहाँ पे एक आवाज़ को जो है रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आवाज़ रिकॉर्डिंग हो गया है एंड मैं इसे माई फाइल्स में ओपन करके एंड यहाँ पे आप लोगों को सुना भी देता हूँ एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ऑडियो वाले में चलते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को सुन लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितना खराब, ज़्यादा मतलब कि कितना खराब यहाँ पे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। वैसे मैं अपने मोबाइल का माइक से ही रिकॉर्डिंग किया हूँ एंड यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे लेक्सिस ऑडियो एडिटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा आवाज़ आ गया है एंड इस आवाज़ का ग्राफ देख लीजिए कितना मतलब कि कम कम है। तो आप लोगों को मैं एडिटिंग शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे इफेक्ट में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आप लोग चाहें तो यहाँ से प्ले भी करके देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि इसका कस्टम सेटिंग ही बहुत ही बढ़िया है। इसका नाम ही है नॉइज। क्या मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी बाहर से नॉइज आता है, मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग किया हूँ एंड बाहर से कोई भी मतलब कि बोलता है एंड वो वाला आवाज़ आ जाता है तो उसे हटाने का काम करेगा। एंड यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये वाला नॉइज को थोड़ा कम किया है, तो आप लोग देख सकते हैं ग्राफ थोड़ा सा डाउन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे इफेक्ट में चले जाना है। उसके बाद नॉर्मलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको नॉर्मलाइज किया, तो देखते हैं मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जहाँ तक था पूरा का पूरा साउंड बराबर हो गया, मतलब कि कहीं ज़्यादा बोल रहे थे कहीं कम बोल रहे थे तो मतलब बराबर हो जाएगा। एंड ये हो गया दूसरा सेटिंग, मतलब कि इससे आपका जो बराबर हो जाएगा पूरा का पूरा आवाज़। उसके बाद 3 डॉट में जाना है, यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर वाला ऑप्शन में। उसके बाद ये वाला सेटिंग आप लोगों को कर लेना है, अगर आपका आवाज़ मेरे जैसा मिलता है थोड़ा बहुत तो आप लोगों को ये वाला सेटिंग अप्लाई कर लेना है एंड यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्ले करके एंड यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर आपका आवाज़ मेरे जैसा नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है। अगर आपका आवाज़ मतलब कि मेरे से हट के है तो मैं आप लोगों को सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये साइड वाला आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये साइड वाला है यहाँ से इधर वाला जो मतलब ट्रेबल के लिए है, मतलब कि थोड़ा सा क्रिप्सी आवाज़ जो मतलब चिल्लाने वाला आवाज़ होता है वैसा कर देगा। एंड अगर आप इस साइड वाला मतलब इधर वाला करते हैं तो आप लोगों को बेस बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोगों को अपने आवाज़ में बेस बढ़ाना है तो सिंपली इधर साइड वाला को आप लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं एंड अगर आप लोगों को अगर क्रिप्सी बनाना है अपने आवाज़ को तो सिंपली इस साइड वाला को बढ़ा सकते हैं एंड उसके बाद अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करके क्लिक कर देना, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा आवाज़ कितना बढ़िया हो गया है। उसके बाद सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते तो यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते थे एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मेरा आवाज़ सेव हो गया है एंड आप इसी आवाज़ को अपने YouTube वीडियो में लगा सकते हैं काइन मास्टर से सिंपली, तो आपका आवाज़ बहुत ही बढ़िया हो गया। एंड मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से बताया हूँ कि कैसे एडिट करना है आवाज़ को, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय टेक, जय टेक्निकल।